हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका और आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं। पुरानी कलर टीवी जो होती है उसको हम ब्लूटूथ स्पीकर की तरह कैसे यूज कर सकते हैं, उसको ब्लूटूथ स्पीकर कैसे बनाएं, इसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो ये रहा हमारा पुराना टीवी और ये रहा हथौड़ा टीवी को फोड़ना। मजाक कर रहे थे दोस्त, यार तोड़ मत देना वरना घर वाले मार मार के पता नहीं क्या कर देंगे। तो इसको ब्लूटूथ स्पीकर बनाने के लिए क्या क्या एसेसरीज लगेगी, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें एक ये पिन चाहिए जो हमारे सेटअप बॉक्स से टीवी में कनेक्ट होता है। ये देखिए, ये साइड इसमें ऑडियो है और दूसरी साइड इसमें VGA केबल है, 8GB VGA। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। रेड ग्रीन ब्लू नहीं, वाइट है ना। अरे कहना क्या चाहते हो। RCA रेड वाइट और येलो, ये 3 पिन ये पुरानी जो थी तो उसमें लगा करती थी, अब HDMI और VGA केबल वाली आ गई हैं, लेकिन पुरानी टीवी में यही लगता था। और इसके एक साइड आपको ध्यान रखना है, ये ऑडियो जैक वाली पिन चाहिए पड़ेगी। ये है एक वायरलेस रिसीवर, इसका हम यूज करेंगे। तो फटाफट से हम इसको कनेक्ट करते हैं और आपको बताते हैं। तो ये हमारा टीवी का बैक साइड है, तो इसमें आप देख सकते हैं। तो ये जो ऊपर वाला सेक्शन होता है ये टीवी से आउटपुट के लिए है और नीचे वाले सेक्शन में टीवी के लिए इनपुट देने के लिए होता है। तो हमारी जो RCA केबल है वो हमें नीचे वाले सेक्शन में लगानी है क्योंकि हमें टीवी को इनपुट देना है। ऊपर वाले सेक्शन में मैंने आपको बताया इससे हम टीवी से आउटपुट ले सकते हैं। तो फटाफट इसमें हम अपनी RCA केबल कनेक्ट करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, इसमें हमें नीचे वाले सेक्शन में जो इनपुट वाला सेक्शन है इसमें हमने RCA केबल अपनी कनेक्ट कर दी है। तो ये रेड में रेड और वाइट में वाइट और येलो में येलो आपको लगाना है। और ये इसमें से 3 केबल होती हैं, एक होती है वीडियो इनपुट के लिए और 2 होती हैं लेफ्ट और राइट ऑडियो इनपुट के लिए। तो ये मैंने कनेक्ट कर दी है, इस तरह से आपको कनेक्ट करना है। तो ये वायरलेस रिसीवर मैं, ये मेरे पास करीबन 2 साल पहले से पड़ा हुआ है, मैंने ये अमेजोन से ऑर्डर किया हुआ था। तो ये देख सकते हैं आप, ये है ब्लूटूथ रिसीवर, ये चार्जिंग पॉइंट के लिए है और ये यहाँ से आउटपुट के लिए है। हम इसको भी कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं। तो एक जो सरा था हमारा ऑडियो जैक का, तो वो इसमें हमने आउटपुट वाले इस सेक्शन में ब्लूटूथ रिसीवर में मैंने कनेक्ट कर दिया है। और अब इसको हम ऑन करते हैं, तो ये यहाँ से ऊपर से ऑन होता है, देख सकते हैं आप ये ऑन हो गया है। हम अपनी ब्लूटूथ डिवाइस को इसमें कनेक्ट करते हैं मोबाइल के साथ। तो ये देखिए, आपने सुना कनेक्टेड इसमें आ चुका है, तो ये कनेक्ट हो गया है। अब हम इससे म्यूजिक प्ले करेंगे, तो ये गाना है, अब हम इसको प्ले करेंगे। ये देखिए, ये गाना इसमें मैंने लगा रखा है और अब मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ एक और गाना। इसकी साउंड की आवाज नहीं है, इसकी साउंड की आवाज माइक को मैं यहाँ पे दूर लेके आया हूँ, अब पास लेके जा रहा हूँ फिर से। तो आपने सुना, तो ये इस तरह से हम अपनी RCA केबल का यूज करके और ब्लूटूथ डिवाइस का यूज करके हम इसको ब्लूटूथ स्पीकर या बूफर की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं और लाइक कमेंट और शेयर करें।